अपनी 17 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे के नेतृत्व में सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विभिन्न ब्लॉकों से आई सहायिका और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में उन्हें राज कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम ₹18,000 मानदेय प्रति माह कर दिया जाए, सहायिकाओं को न्यूनतम ₹9,000 मानदेय प्रति माह दिया जाए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को समान योग्यता और समान कार्य के आधार पर कार्यकर्ती के बराबर मानदेय दिया जाए। इस अवसर पर भारी संख्या में विभिन्न ब्लॉकों की सहायिकाएं और कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गीता पांडे ने कहा, गीता पांडे आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। ज्ञापन हम सर सिटी मजिस्ट्रेट को दिए हैं और मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन पहुंचेगा। हम लोगों का आज धरना सर हमारे प्रांतीय आवाहन पर, ये अल्टीमेटम मेरा पड़ चुका था जो मेरी लंबित मांगों को लेकर के, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए गए वादों को लेकर के ये हमारा आज धरना प्रदर्शन 1/10/2018 से शुरू हो रहा, 3/10/2018 तक मेरा धरना प्रदर्शन चलेगा और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाएंगे, 3 तारीख को हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लाख लाख बधाई देते हैं अपने संघ के माध्यम से, आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन हमारे उत्तर प्रदेश की कमेटी के तरफ से हम अपने प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई देते हैं कि उन्होंने बिना कोई धरना प्रदर्शन किए, बिना कोई बताए, बिना कोई अल्टीमेटम दिए, उन्होंने हमारी इन 28 लाख आंगनवाड़ियों को ₹1,500 देने का काम किया है, वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी बहनें जुलाई तक मानदेय अभी पीएफएमएस से हुआ है कि आपका प्रति माह मानदेय 10 तारीख को चला जाएगा, लेकिन हम लोगों का जुलाई तक का मानदेय है, अगस्त से अभी मानदेय भी नहीं मिला है हमारी बहनों का। इसलिए हम लोगों में भूखमरी के कगार पर हमारी बहनें बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हम लोग भूखमरी के कगार पर उतर गए हैं। 4,000 में कौन अपने पेट को पाल सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। इसलिए हमारी जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं कि सरकार जो भी बढ़ाई है, हम नहीं कह रहे हमको सरकार 18,000 तुरंत दे रही है या देगी, आज हमारा जो कुछ भी नहीं हो रहा है 18 साल तक हम लोग झेलते रहे, फिर हमारे बीच की बहन एक उठी, वो भी अब आप लोग सर इस बात से अवगत है कि मेरा ही पुतला यहाँ फूका गया जब प्रदेश कमेटी से, तो सर हमारी मांगे, प्रमुख मांगे हैं, जो मेरी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, सरकार हमारी शीघ्र अतिशीघ्र शासनादेश पहले जारी करे, उसके बाद हम लोगों का कोई